विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल्स। ओके, सो गुलिवर जो है बेटा एक बच्चे एक बर्ड का नेम है और ट्रैवल करता है, तो वो अपने अपना जो भी ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में वो बता रहा है। ओके, या उसकी स्टोरी बता रहा है। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट वी रीड समथिंग ओवर हियर। व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स, इन हिज ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो जब भी एक कोई पर्सन अपने ही लाइफ के बारे में, अपने ही लाइफ की स्टोरी के बारे में बताता है, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ओके, गुलिवर अ सेलर। सेलर मीन्स बेटा जो भी जहाज पे, जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा के कार चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, तो वैसे ही जो भी जहाज चलाने वाला, शिप चलाने वाला होता है, उसे सेलर बोला जाता है। सो गुलिवर कौन है? एक सेलर है। वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। तो कहाँ पे फर्स्ट कॉट मतलब फंसना, इन द लैंड ऑफ जायंट्स, तो जायंट्स के लैंड में। जायंट्स मतलब बेटा बहुत बड़े बड़े आदमी है, जो भी जिनकी साइज वगैरह जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जो बहुत बड़ा होता है उसे जायंट्स बोलते हैं। ओके, जो नॉर्मल पीपल जितना नहीं होता। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। ओके, तो वो इस तरह से अपना एक्सपीरियंस, मतलब उसे वहाँ पे क्या क्या फील हुआ, वो बोलता है। ओके, नाउ ऑन द 16 जून ऑफ 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। अब कौन से ईयर की बात है बच्चों? 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड, मतलब उन्होंने एक जमीन या एक लैंड वहाँ पे ढूंढा। अवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड। ओके, सो वहाँ पे उनका जो कैप्टन है उसने क्या किया, बहुत सारे आदमी मीन्स डजन मतलब 12 लोग जिसे हम बोलते हैं, 10 से 12 लोग उसने किस लिए किस तरह किस कैसे लेके भेजे, वेसल्स लेके। वेसल्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कोई भी चीज़ का सामान, सॉरी जो होता है कि कटोरा या पतीली या जिसे हम बोलते हैं जिसमें पानी आ सके, चाहे डोल हो चाहे कोई भी हो। ओके, बकेट हो उसे भी हम लोग वेसल ही बोलते हैं। ओके, इफ एनी कुड बी फाउंड, तो ऐसा उनको देश वहां पे मिला या लैंड मिला कि वहां पे पानी भरने की उनको जरूरत पड़ी। ओके, व्हेन वी केम टू लैंड वी सो नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। ओके, तो जब वो लोग वहां पे लैंड के ऊपर पहुंचे, जहाँ पे वो लोग बेटा दरिया से सफर करके वहां पे लैंड के ऊपर पहुंचे, तो वी सो नो रिवर, तो वहां पे कोई भी नदी नहीं थी, और स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब जहाँ वहाँ पे बेटा कोई भी जात का झाड़ वगैरह या कोई भी ज्यादा वहाँ पे चीजें नहीं थी, नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, और वहाँ पे इनहेबिटेंट्स मीन्स वहाँ रहने वाले लोग, इनमेट इनहेबिटेंट्स मीन्स वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ पे उन्हें कोई भी मिला नहीं। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, तो वो एक्सप्लोर करने चला गया, मीन्स कि उसने क्या करा कि उसने जो है एक्सप्लोर करना चाहा, मतलब जगह को देखना चाहा कि यहाँ पे क्या है ऐसा, तो जहाँ पे नदी नहीं है, ये ऐसी अजीब सी जगह, स्ट्रेंज जगह कौन सी है। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। कंट्री वॉज बैरन, बैरन का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों के जहाँ पे खेती वगैरह या हरियाली जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। ओके, एंड रॉकी, और वहाँ पे रॉकी थी, मतलब वहाँ पे क्या था, पत्थर वगैरह बहुत ज्यादा थे। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। ओके, और वो वहां से पीछे वापस आया एक्सप्लोर करके, तो उसने देखा उसका जो क्रू है, ओनली टू सी देम, क्रू मीन्स एक ग्रुप, जो भी जहाज में सफर करने वाला होता है उन्हें क्रू बोला जाता है, या ग्रुप को भी क्रू बोलते हैं। ओके, ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट, उन्हें सिर्फ वो क्या देख रहा था कि वो लोग वापस बोट में जा रहे थे, एंड रोविंग, रोविंग जो बेटा वो है जहाज को चलाते हैं ऐसे करके। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो है इसे इससे वो लोग पानी को क्या है, पानी से बोट धक्का देते हैं। ओके, सो बोट को धक्का देके वो लोग वापस जा रहे थे, फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, और वो लोग शिप तक पहुंच रहे थे। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। ओके, वो वहां तक उन लोग तक, बिफोर आई कुड रीच देम, वो वहां तक पहुंचता उससे पहले ही उसने एक ह्यूज क्रिएचर देखा। क्रिएचर मीन्स वहां पे रहने वाला या जो भी करने वाला, जो भी रहने वाला था उसे जायंट्स, पहले ही हमने देखा कि जायंट्स था। ओके, वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे वो भाग रहा था इन द सी, और सी के अंदर, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको फोटो के अंदर, ये देखो ये जो एक बड़ा पर्सन है उसकी हाइट देखो आप लोग, और ये जो लोग जो गुलीवर्स के साथ आए थे उनकी हाइट्स देखो कितनी है। ओके, सो वो वहाँ पे वो देख रहा है। ओके, सो उसने देखा कि उनके पीछे वो भाग रहा है। ओके, इन द सी एज फास्ट एज ही कूड, जितनी फास्ट वो दौड़ सकता था उसने वो दौड़ा।
द वॉटर ऑन द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। तो वो जो ओशन का मतलब वो दरिया का वाटर था वो उसकी सिर्फ नीज तक मतलब उसके घुटनों तक ही आ रहा था, बाकी के जो हम लोग जैसा नॉर्मल पर्सन होता है वो अंदर डूब भी सकता है। ओके सो हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। तो जो मॉन्स्टर था उसकी स्पीडिंग बोट क्या हो गई, वो वहां तक पहुंच नहीं पाया और वो लोग स्पीडिंग बोट मतलब उनकी बोट बहुत फास्ट जा रही थी वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet। ओके सो अब वो क्या करा, गुलिवर्स के पास बचने का कोई चारा नहीं था सो इसलिए उसने क्या किया कि वहां से वो वापस भागा। आई टर्न बैक क्विकली, वो वहां से गया एंड क्लाइंड अप अ स्टीप हिल। तो वहां पे एक स्टीप हिल थी मतलब जो चढ़ नहीं सकते लेकिन फिर भी उसने चढ़ने की कोशिश की। ओके फील्ड्स ऑफ बार्ली, वहां पे बार्ली का खेत था ऑन द ईदर साइड। ओके एंड ऑन द एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet, और वहां पे मकई का खेत था और बार्ली मीन्स जुवार भी हम बोलते हैं, तो वहां पे वो खेत था तो उसमें वो जाके चला गया और मकई का जो था बेटा उसकी हाइट जो थी 40 feet मतलब 40 feet तक थी। देर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। तो वहाँ पे एक फेंस था, फेंस मतलब वहाँ पे बेटा वहाँ पे कॉर्डन किया हुआ इलाका जहाँ पे खेत वगैरह होते हैं उसके अंदर कोई भी घुस नहीं सके, कांटे वगैरह बनाए थे तो वहाँ पे कोई अंदर जा नहीं सके इसलिए वहाँ पे फेंस बनाया गया था। ओके अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो बच्चों, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई। तो उसे वो स्टेप जो है चढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था। क्यों बेटा, जो हमारी सीढ़ी होती है स्टेयर होती है उसके स्टेप क्या होते हैं कि हम लोग आधा फुट के बनाते हैं, आधा फुट पे हम लोग को एक स्टेप मिल जाता है, ठीक है, या हमको पगतिया मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे वो पगतिया नहीं था। वो कितने फीट का था, 6 feet हाई मतलब 6 feet का था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. Okay, so उसने वहाँ पे एक gap शुरू gap देखा, gap के अंदर से वो hedge के अंदर से मतलब वो जाना चाह रहा था लेकिन उसने वहाँ पे देखा when I discovered one of the inhabitants मतलब वहाँ का रहने वाला जो एक person था या जो भी था in the next field वहाँ पे next field में walking towards the fence, वो fence के पास आ रहा था, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है हमको, ठीक है। So उसने वहाँ पे देखा कि वो fence के पास आ रहा है। He was of the same size as the creature chasing the boat. मतलब कि उसकी भी साइज सेम थी। वो क्रिएचर क्या कर रहा था, जो जिसने हाइड उस क्रिएचर की थी जो बोट को पीछा कर रहा था। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रन टू हाइड माई सेल्फ। ओके वन सेकेंड। ओके आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फियर, तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड देन एस्टोनिशमेंट टू रेन टू हाइड माई सेल्फ, और उसे क्या है एस्टोनिशमेंट हो रहा था मतलब वो उससे सरप्राइज लग रहा था, बड़े भी आदमी हो सकते हैं, एंड रेन टू हाइड माई सेल्फ, और वो अपने आप को बचाने की छुपने की कोशिश कर रहा था। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो होता है बेटा हाथी का आवाज़ होता है, उसे ट्रम्पेट बोला जाता है। ओके सो उसने उससे भी ज़्यादा जोर से वहाँ पे वो बोला, इट साउंडेड लाइक अ थंडर। ओके तो ऐसा हो रहा था जैसे कोई थंडर हो, जैसे कोई बिजली कड़क रही हो। सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। तो उस तरह से बेटा उसके जैसे ही सेवन और मॉन्स्टर्स आ गए मतलब 7 दूसरे लोग आए गए, केम टूवर्ड्स द फील्ड मतलब उस फील्ड के पास आए, खेत के पास, रेडी टू रीप द कॉर्न मतलब वो वहाँ पे जो कॉर्न थे मतलब मकई वगैरह थी उसे तोड़ने के लिए वो लोग वहाँ पर आ गए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, तो उनके हाथ में एक रीपिंग हुक था मतलब जो बेटा यहाँ पे दिख रहा है हमको कि जो रीपिंग हुक होता है मतलब जिससे खुदाई वगैरह की जाती है, जिससे खेत में तोड़ा जाता है फसल उगने के बाद, तो उनके हाथ में भी वो सब चीज़ें थी। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. Okay, so उनमें से एक reapers मतलब एक जो खोदने वाला था वो तोड़ने वाला मक्का है, approached where I lay hidden, तो जहाँ पे गुलीवर छुपा हुआ था वहाँ पर आया। I screamed as loud as I could, तो गुलीवर से जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था गुलीवर वहाँ पे चिल्लाया। The creature stopped reaping. तो creature जो था मतलब वो जो बड़ा person था giant था, उसने क्या किया वहाँ पे reaping करना stop कर दिया। Picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. Okay, so उसने क्या किया,
रिपिंग स्टॉप कर दिया, पिक मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर, तो उसने अपने थंब के बीच में, ओके okay, और उसकी फोर फिंगर, यहाँ पे जो फर्स्ट उंगली होती बेटा उसे फोर फिंगर बोला जाता है, तो दोनों से दोनों के बीच में मुझे उठा लिया, और देखो इसको ऐसे ऊंचा पकड़ा हुआ है, ओके बॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और अपनी आइज के एकदम करीब ले गया, मतलब उसको एकदम नजदीक से वो वहां पे देखने लगा। 60 फीट अबव द ग्राउंड, मतलब उसकी हाइट जो अब ग्राउंड होता है बेटा वहां से 60 फीट ऊंची थी, उसकी हाइट इतनी सारी थी, तो उसने 60 फुट ऊपर उसे उठा लिया। ही लुक एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, ओके सो उसने क्या किया, ही लुक्ड एट मी, मतलब उसने क्या है, इतना छोटा पर्सन पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने जो है जायंट ने उसे अच्छे से देखा क्यूरियोसिटी से, उसे भी सरप्राइज लगने लगा कि छोटा पर्सन कैसे हो सकता है। ओके ब्लू माई हेयर असाइड, और उसने अपने फूंक से उसके जो हेयर थे थोड़े असाइड किए, मतलब साइड पर कर दिए, ओके टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और मेरे फेस को अच्छे से देखने लगा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और मुझे जेंटली जो है ग्राउंड के ऊपर रख दिया। ओके ठीक है बच्चों।